मध्य प्रदेश के ग्वालियर के चिनोर भदेश्वर दौलतपुर गांव में अचानक लगी आग में 1500 बीघा जमीन पर खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। पुलिस प्रशासन और दमकल दस्ते को सूचना दी, लेकिन प्रशासन 3 घंटे की देरी से पहुंचा, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों के सामने गांव के लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि फिलहाल खेतों में खड़ी फसल सूख चुकी है, ऐसे में किसी ने जलती हुई बीड़ी फेंक दी थी। इस कारण आग तुरंत भभक गई और कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। राज्यसभा चुनाव की आहट से मध्य प्रदेश कांग्रेस में हलचल शुरू हो गई है। जून में बीजेपी की 2 और कांग्रेस के खाते से 1 सीट कम हो रही है। यह 1 सीट सांसद विवेक तन्खा का कार्यकाल पूरा होने पर खाली होगी। इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है। अशोकनगर में सीएम राइज स्कूल के लिए किसान ने 25 लाख कीमत की 4 बीघा जमीन सरकार को दान में दे दी है। किसान का कहना है कि शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उसके पिता ने भी कई बार संपत्ति सरकार को दान दी है, किसान पिता के नक्शे कदम पर ही चल रहा है। राजधानी भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की फेसबुक पोस्ट के कमेंट में जय श्री राम लिखने पर एक समुदाय विशेष के युवक की जमकर पिटाई कर दी गई, साथ ही उसके घर में तोड़फोड़ भी की गई। पीड़ित का नाम मुनव्वर अंसारी है, पेशे से कारपेंटर है। उसका आरोप है कि उसके ही समुदाय के 3 लोगों ने उसके साथ मारपीट की है। कॉलेज स्टूडेंट और अभिभावकों को राहत देते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2022-23 के लिए फीस न बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग की अकादमिक शाखा ने आदेश जारी कर दिए हैं। शिवराज सरकार के इस फैसले से कोरोना काल के बाद आर्थिक रूप से परेशान अभिभावकों और छात्रों को बड़ी राहत मिली है।